क्या आती है? हिंदी, हिंदी आती है ना। दोनों हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, इस नई जगह पे, इस नई भूमि पे हम रहने के लिए आ रहे हैं, तो हमें मन की, तन की और धन की शांति प्रदान हो, शांति मिले इस घर में। बराबर, करोड़ों का बंगला हो, लेकिन रात को नींद नहीं आए तो वो बंगला कोई काम का नहीं, लेकिन छोटी सी झुपड़ी हो लेकिन अच्छी तरह नींद आए तो वो झुपड़ी भी हमें अच्छी लगती है। वैसे ही इस घर में हमें मन की शांति मिले, तन की शांति मिले, सबके शरीर निरोगी रहे और धन की, लक्ष्मी का आवागमन होना चाहिए। अगर लक्ष्मी अटक जाए तो वो बुद्धि बिगाड़ती है, लेकिन लक्ष्मी आती जाती रहती है तो आदमी भागता भी है, मेहनत भी करता है और लक्ष्मी की कदर भी करता है। तो लक्ष्मी का आवागमन होता रहे ऐसी भगवान को प्रार्थना कीजिए। इस घर में मन, तन और धन की शांति मिले ऐसी आप हमारे पे कृपा कीजिएगा। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप कीजिए। ओम महादेव हो शांति रम दर्शको शांति पृथ्वे शांति रामः शांति रो कदय शांति पंचपतय शांति श्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञो शांति शांति रेव शांति साम शांति रे दे जतो यतः समीह शेतो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ओम शांति 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 सुख शांतिर्भवतु। नए घर में जब प्रवेश करते हैं तो गुरु महाराज जी को आमंत्रण दिया जाता है, अपने जो गुरु है, क्यों गुरु देते हैं तो ज्ञान देते हैं, गुरु के ज्ञान के हिसाब से अगर हम आगे चले तो हमें जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गुरु जी को कहिए कि हम नए घर में रहने जा रहे हैं तो आपका हमेशा आशीर्वाद हमारे ऊपर रखना। नमो गुरु भ्यो गुरु पादुकाभ्यो नमः परभ्य परपादुकाभ्य आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मी पति पादुकाभ्य गुरवे नमः नमस्कार समर्पयामि। यहाँ पे सभी देवों को आमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रण के बिना कोई आता नहीं है। तो सभी को आमंत्रण दीजिए कि हम नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो आप हमारे को आशीर्वाद दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। श्रीमन महागणाधिपते नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान द्वार श्रीय देवेभ्यो नमः पण्यं पण्याहं दीर्घमायुरस्तु प्रबन्धो प्रबन्धो पण्यं पण्याहं दीर्घमायुरस्तु। अंदर दिया प्रगटाया हुआ है, बराबर दीप नारायण देव के साक्षी में कोई भी काम होता है तो उनको नमस्कार कीजिए के बहुदीप देव रूप त्वं कर्म साक्षी अभिज्ञकृत यावत् कर्म समर्पयामि। अपने पितरों का आशीर्वाद होना चाहिए, ये सब घर बार कैसे होते हैं तो पितरों के आशीर्वाद से होते हैं, वरना होते नहीं है। तो पितरों को नमस्कार कीजिए कि पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामह मातामहस्त पिता च प्रयच्छन्तु मंगलम पितृ नारायणाय नमः नमस्कारं समर्पयामि। कोई भी कर्म चालू करे तो सबसे पहले किसको याद करना पड़ता है? गणपति को, बराबर। तो गणपति को नमस्कार कीजिए कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा गं गणपतये नमः नमस्कारं समर्पयामि। अब भाभी जी पानी से दो चम्मच पानी रखिए और उमरा दीजिए। ओम नमः यासे स्वयं सुगतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धे श्रद्धाशतां कुलजनं प्रभवश्य लज्जां तां त्वां नताश्म परिपा दयदेव विश्वम। बाद में एक चम्मच पंचामृत रखिए, पंचामृत से उमरा दीजिए। के भयो दधे कृतं चैव मधु च शर्करायुतं पंचामृतमयानि तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। अब वापिस पानी से साफ कीजिए, एक कुछ नैपकिन या कुछ रुमाल है अंदर ही अब आपको स्वस्थ यानी साथिया दूरना आता है तो यहाँ पे साथिया दूर दो करें हाँ उसे दो दो ये जुली यूज़ करें ये ओम नमः नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। बीच में चार तिलक, अब दो उंगली ऐसे और दो उंगली ऐसे। अब आपको त्रिशूल बनाना आता है तो एक यहाँ पे बनाइए एक यहाँ पे बनाइए। तो बोल तो छोटा है
भाई जी अब आप एक फूल लीजिए चंदन वाली चावल में कीजिए और यहाँ पे हाँ पहले चंदन रोली और चावल यहाँ पे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब वो चंदन का दोनों हाथ में लीजिए आपको है ना ये द्वार के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तिलक करने हैं एक यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 बराबर कर ये दो उंगली हाँ बीच वाला हाँ आपको है ना ये दोनों के गैप में बीच में गिनना 7 होना चाहिए अब इस तरफ आ गए आप इस तरफ आ गए इंडा 2 मिनट साइड में रहूँगा अब यहाँ पे गणपति रखे हुए हैं उनको पैर पे और मस्तक पे आपको तिलक करना है हाथ पहुंचेगा अगर नहीं पहुंचे हाँ तो आप कर लीजिए एक एक ही उंगली ये बात मस्तक पे अभी आपके हाथ से है ना कलर यहाँ पे उम्र के ऊपर ओम महानमशकारं समर्पयामि अब भाई जी आप कलश को मौली बांधिए यथोत्तरं कर्वाशदम्बुदं ब्राह्मणा निर्मितं पुरा येन बद्धं जगत सर्वं विष्णुना कलशस्य च नीचे से देखिए कभी ऊपर से नीचे नहीं करना नीचे से ऊपर करने का आदमी नीचे से ऊपर जाता है ऊपर से नीचे कभी नहीं आता बाद में बीच में छींटे डालिए मध्य पाम पदे बनाय नमः वरुणं पूजयामि वो रख दीजिए बीच में छींटे डाल के रख दीजिए 1 रुपए का सिक्का है किसी के पास मेरे पास लीजिए ये सुपारी और 1 रुपए का सिक्का राइट हाथ में ले लीजिए और इसके अंदर रखिए तो एक पुष्प लीजिए आप रौली चंदन चावल में कीजिए इसके ऊपर चढ़ाइए मध्य पुष्पाणी समर्पयामि ही से पानी छलकना चाहिए दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए केवलम नमस्कार हम समर्पयामि ही यहाँ पे जो पूजा की ना ये सब देवता आके बिराजते हैं 32 भगवान यहाँ पे बिराजते हैं बराबर और 16 भगवान उम्रे में बिराजते हैं और ऊपर कौन बिराजते हैं गणपति बप्पा तो सबको नमस्कार कीजिए कि हम प्रवेश कर रहे हैं तो आपका आशीर्वाद हमसे हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा ओम महाविनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान सरसवदे प्रणम्या दौ सर्व कार्यार्थ सिद्धये कपूर प्रगटाइए कूलर अब वो लड़की को आगे लाइए यहाँ पे लाके थोड़ा सा छोटा नहीं तो सब बुरी बात
लीजिए चावल लगाइए। अब इसके राइट पैर के अंगूठे के ऊपर तिलक कीजिए। उसके ऊपर चावल लगाइए। ये इंडोनेशिया के सिर के ऊपर और ये कलश है ना इनके ऊपर सिर पे रखना है। आप पकड़ के रखिएगा आपको और आपको है ना तीनों को राइट पैर सबसे पहले अंदर रखना है। सभी लोगों को राइट पैर रख के अंदर आने का है। सुबुता पग रख के अंदर बराबर ये वाला पग रखना अंदर। हाँ पहले ये रखना सबसे पहले ये रखना मिलन वाले राइट पग अच्छा मुझे राइट में चलाना रोन खड़े सही है सीधा मुंह चलिए तैयार कुर्त तो बढ़िया है। ये वाला पग रखना ठीक है पहले अंदर जो जो गेम जीतेगा ना उसको देखिए अंदर आके यहाँ खड़े हो जाइएगा। बाद में फोटो वाले अंदर आके फोटो खींच लीजिएगा बराबर। पहले प्रवेश आप तीनों का होगा बाद में इनका होगा ठीक है। हाँ अंदर बराबर बोलो महालक्ष्मी महान की जय। स्वयं स्वकृते नाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृत यहाँ जाओ बोलो महालक्ष्मी बस। अब इनको आपको सुकन के कुछ भी देना हो वो दे देना हो गया।